हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी समेत सभी माइनॉरिटी को यहाँ पर नागरिकता देने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 400 प्लस सीटों का दावा करती आ रही है। सबके जेहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस दावे के पीछे का लॉजिक क्या है। विपक्ष अक्सर इस दावे की खिल्लियां भी उड़ाते नजर आते हैं, लेकिन 11 मार्च 2024 को बोतल से वह जिन्न निकला है जो भाजपा की सभी ख्वाहिशों को साकार रूप देगा। देश भर में CAA कानून लागू करने के लिए रमजान से बेहतर भाजपा के लिए कोई टाइमिंग नहीं हो सकती थी। भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के लिए यह तारीख न सिर्फ मुफीद थी बल्कि एक व्यापक संदेश निहित किए हुए भी है। नमस्कार, मेरा नाम सुदीप्त त्रिपाठी है और आप लोकतंत्र देख रहे हैं। जब से नोटिफिकेशन आया है तभी से आप महसूस कर रहे होंगे कि देश में माहौल कुछ बदल सा गया है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यहाँ तक कि विपक्ष की जुबान पर CAA चढ़ चुका है। विपक्षी दल जहाँ विरोध में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर रहे हैं, वहाँ एक बड़े वर्ग को इस अधिसूचना के जारी होने से परम सुख की प्राप्ति हुई है। कोई धमाका नहीं है, बात मैं 10 बार बता चुका हूँ। मगर आप चुनाव के पहले ये लागू होगा, इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। फैंटास्टिक। देश में माहौल ने किस कदर भाजपा के पक्ष में अंगड़ाई ली है उसे बेहद छोटे और सच्चे उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल मैं दिन में 3-4 मर्तबा चाय पीने बाहर जाता हूँ। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद शाम को जब मैं चाय की दुकान पर पहुँचा तो वहाँ सबसे हॉट टॉपिक CAA का था, जो देश में लागू हो चुका है। यह सभी लोग जो खुद आर्थिक असमानता के शिकार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो 5 किलो राशन पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कदम कदम पर शोषण के शिकार हो रहे हैं और जिन्हें व्यक्तिगत तौर पर इस कानून से कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो सभी इस कानून के लागू होने पर बहुत खुश थे। वो इतने खुश थे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके खाते में 15 लाख भेज दिए हों। क्या आप जानते हैं वह खुश क्यों थे? जी, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। दरअसल इस कानून को लेकर जिस तरह का नैरेटिव सेट किया गया है उसके मुताबिक यह हिंदू राष्ट्र की ओर भाजपा द्वारा बढ़ाया गया एक प्रभावी कदम है। CAA इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। CAA कानून के अंतर्गत मुस्लिम देशों में रह रहे गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों मतलब हिंदुओं, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारत में आने के बाद भारतीय कहलाने की पहचान मिलेगी, यानी उन्हें आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। हालांकि इसमें मुस्लिम वर्ग को शामिल नहीं किया गया और यही वजह है कि भारत के मुसलमान इसके विरोध में। कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति, राम मंदिर निर्माण के बाद अब CAA का देश भर में लागू हो जाना या सामान्य राजनीतिक परिघटना नहीं। विपक्ष लाख दावे कर ले, लाख बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक की बातें कर ले, लेकिन जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कहा सो किया के नारे से प्रभावित होकर उन्हें ही वोट करने वाली है। यह एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है जो भाजपा ने आम जनमानस के जेहन में उतार दिया है। कैसे करेंगे आप उनका मुकाबला? क्या बताएंगे आप जनता को? कैसे बताएंगे? किस माध्यम का इस्तेमाल करेंगे? आपकी भाषा शैली क्या होगी? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप जिस जनता से संवाद करने जा रहे हैं वह हाईली इंटेलेक्चुअल नहीं है। वह बड़े बड़े टर्म्स नहीं समझती। वह एक ऐसे नेटवर्क से जुड़ी हुई है जो हर दिन हर पल उसकी हिंदू अस्मिता को ट्रिगर करता है। आपके लिए स्पेस नहीं बचा है, क्योंकि आपने स्पेस बनाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। आप जनता से जुड़ने, उसे संवाद करने के लिए चुनाव का इंतजार करते हैं,
जबकि वह नहीं करते। वह जुड़े हुए हैं, कभी अलग हुए ही नहीं। सब कुछ जो मैंने बताया वह थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। यह अचानक से नहीं हुआ है, इसके पीछे महीनों की तैयारी और प्लानिंग है। CAA लागू होना भाजपा का एक मास्टर स्ट्रोक है, जो देश में ध्रुवीकरण करने में उसका सहयोग करेगा। और CAA की पीठ पे सवार होकर भाजपा अपने 400 सीटों के जीतने का एजेंडा पूरा करेगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे द लोकतंत्र। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आशीष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।